देखिए, टेंशन है कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंस हैं जब हम श्योर नहीं कि क्या करें, हमें खतरा लगता है किसी भी तरह से। खतरा हो या ना हो अलग बात है, हमें खतरा का एहसास होता है। जॉब का खतरा, या पैसे ना होने का खतरा, या कोई हमारे ऊपर हमला करेगा खतरा, या अनसर्टेनिटीज, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ऐसा जब स्थिति आती है, या जैसे आपने सांप का एग्जाम्पल दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये खतरा, तो ये जब होता है तो दैट इज़ कॉल्ड टेंशन, अचानक टेंशन, स्ट्रेस। लेकिन ये जो स्ट्रेस और टेंशन मैंने बताया, ये जब लंबे समय तक चलता है, लंबा मतलब कई दिनों तक चलता है, तो ये परमानेंट घर कर लेता है, और इसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो टेंशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स डिप्रेशन, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है। फिर वो लगातार वो उसकी आदत बन जाती है एक इंसान की, कि वो खतरा चला भी गया लेकिन तब भी उसके दिमाग में वो खतरा बैठा हुआ है मेंटली, कि दोबारा आ गया तो क्या होगा, मेरी जॉब तो मिल गई लेकिन दोबारा चली गई तो क्या होगा। तो इसी सोच में अपना ज़्यादा समय बिताता है ऐसे लोग, जो पॉजिटिव सोच की बजाय नेगेटिव सोच में अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं जाने अनजाने, सो दैट वी कैन कॉल एज डिप्रेशन। लगातार उनकी हैबिट का पार्ट है। टेंशन किसी को भी हो सकती है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में कोई भी ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा स्ट्रेसफुली बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन जब जहाँ सर्टेनिटी नहीं हो, जहाँ खतरा हो, जहाँ डेंजर हो, रियल डेंजर हो या इमेजिनरी डेंजर। लेकिन हमेशा अनसर्टेनिटी के माहौल में फील करना अपने आप को, चाहे वो इमेजिनेशन फील करे, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं इसका। क्योंकि आप देखिए, जब हम बोलते हैं टेंशन है स्ट्रेस, वो हुआ कैसे, वो आपके अपने हैबिट से हुआ, आपने आपकी अपनी सोच से हुआ, आपके अपने सर्कमस्टेंस से हुआ। अब इन तीनों चीज़ों में सर्कमस्टेंस को बदलने के लिए, सर्कमस्टेंस को कोई दवाई का कोई सहारा ले नहीं सकते, उसका आपकी सोच है। तो सोच को सोच ही बदल सकती है, सोच एक अलग लेवल पे काम करती है, माइंड और बॉडी, है ना। तो अगर सोच को इन्फ्लुएंस करना है, सही मायने में इन्फ्लुएंस करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर इंसान शराब पी ले तो थोड़ी देर के लिए उसकी सोच बदल जाएगी, लेकिन वो तब तक जब तक शराब का असर रहेगा। लेकिन तो इसका मतलब कोई भी अगर दवाई लेते हैं तो उसका एक टेम्पररी असर रहता है, लेकिन उसका परमानेंट असर रह नहीं सकता जब तक दवाई रहेगा वो चाहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक कैप्सूल लेकर आया हूँ जो आपके लिंग को मोटा व लंबा करेगा, साथ ही साथ आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को भरपूर मजा देना चाहते हैं तो काम सेतु कैप्सूल का उपयोग करें। अगर आप इस कैप्सूल को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएं। ड्रग कोई भी हो तो इसकी कोई दवा हो नहीं सकती, तो जिस चीज़ की वजह से कॉज, दैट इज़ आपकी सोच, उस सोच पे ही आपको काम करना पड़ेगा, उसी से आप पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। दवाई लेना बंद करो आप उस पर, वो तो एक हैंडीकैप की तरह है, वो तो आप अपाहिज बन जाएंगे, मेंटल अपाहिज मान लो इसको। तो दवाई लेना आप बंद कर लो, नंबर वन। नंबर टू कि आप अपने सोच पे काम करो। सोच के पे काम करने के दो 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 एक तो आपके आसपास के जो लोग हैं, अगर उनमें नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी जाहिर सी बात है आपके अंदर आएगी। तो आप अक्सर अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते। आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, जिनको आपका स्पाउस हो सकता है, जिनको बदल नहीं सकते। ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ एडिशनल, जो पॉजिटिविटी लाए, या फिर आप किताब पढ़ो। एक किताब का नाम मैं अभी देता हूँ आपको, किताब का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी, अंग्रेजी में ओरिजिनल वर्जन है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। इस किताब को हर वक्त साथ में रखिए और दिन में एक मिनट ज़रूर लगाइए, जो पढ़ना खुल जाए वही पढ़ना पढ़िए, और वो पहले भी पढ़ा है तब भी पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे एक एक मिनट भी रोज़, उतनी बार आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी आपको मदद करेगी स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकलने में। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लत लग गई दवाइयों की, जो सालों साल से ले रहे हैं, वो अचानक छोड़ेंगे ना दोबारा डिप्रेशन के बहुत गहराई खाई खाई में चले जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है, पहला स्टेप कि DIP डाइट, अ काइंड ऑफ डाइट जिसमें 12 बजे तक आपको फलों पर रहना है आपके बॉडी के हिसाब से, मान लो कोई 70 kg का। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक कैप्सूल लेकर आया हूँ जो आपके लिंग को मोटा व लंबा करेगा, साथ ही साथ आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को भरपूर मजा देना चाहते हैं तो काम सेतु कैप्सूल का उपयोग करें। अगर आप इस कैप्सूल को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएं। इंसान है तो 700 ग्राम फल खाना होगा,
और लंच और डिनर से पहले एटलीस्ट 300-400 ग्राम कच्ची सब्जी खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, ये दो चीज़ आपको करना है और दो चीज़ छोड़ना भी है। एनिमल फूड, जो भी चीज़ जानवरों से निकलती है, अंडा है, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट है, छोड़ना है। फैक्ट्री फूड, जो चीज़ फैक्ट्री से निकलती है वो भी छोड़ना है, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है। धूप में बैठना है 15 मिनट। तो दैट इज़ वॉट वी कॉल एज DIP डाइट। तो ये DIP डाइट को इमीडिएटली स्टार्ट करना है ऐसे पेशेंट को, नंबर वन। नंबर टू, दवाई की जगह सैफरन, इसे हिंदी में बोलेंगे केसर। केसर का एक पिंच लेना है, एक चुटकी जिसे बोलते हैं, और एक कप बहुत गर्म पानी में डालना है, उसको घोल लेना है। वो वैसे भी केसर का रंग का पानी बन जाएगा, फिर उसको चाय की तरह रोज एक बार पीना है, खासतौर पर सोने से पहले पी लेना, और ऐसा 3 महीने करना है, फिर छोड़ देना इसको भी। तो जब आप केसर का पानी पियेंगे, केसर का एक चुटकी 0.1 ग्राम, और ऐसा 3 महीने करेंगे, तो ये एक दवाई की तरह काम करेगी। एट द सेम टाइम और ये तो शुरू करना है, और साथ में जो दवाई उसको टेपर डाउन करना है, एक दिन में ना छोड़ के कि भाई अभी आपने आधा कर दिया, फिर उसको 15 दिन लिया, फिर उसको उस आधे को भी छोड़ दिया, तो 15 दिन 20 दिन में आपने पूरी दवाई छोड़ दी। और उस दवाई की जगह किसने ले ली, इस डाइट ने ले ली जो मैंने अभी बताया, DIP डाइट, केसर ने ले लिया जो मैंने बताया, या वो किताब ने ले लिया, ये सारा कुछ मिला के आपको होल्ड करेगा, आपको डिप्रेशन से गिरने से बचाएगा, उठा के रखेगा। तो 3 महीने बाद जब केसर आप छोड़ देंगे, तो केसर की लत नहीं लगती किसी को, तो आप केसर से छुट्टी मिल गई, क्योंकि आपने 3 महीने बाद छोड़ दिया। एट द सेम टाइम आपका जो दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी होगी, और आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में खासतौर पर इस तरह के हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होने लगेंगे, जिसकी वजह से बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप संभल के रहेंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और आप उसका डट के सामना कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, और जिस तरह के डिप्रेशन आपने देखा अपने जीवन में, उससे उसके अंदर दोबारा से देखिए, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आप हर बीमारी में या अधिकतर बीमारी में आप DIP डाइट का जिक्र करते हैं। देखिए, बीमारियां जितनी भी हैं वो सारे अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक कैप्सूल लेकर आया हूं जो आपके लिंग को मोटा व लंबा करेगा, साथ ही साथ आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को भरपूर मजा देना चाहते हैं तो काम सेतु कैप्सूल का उपयोग करें। अगर आप इस कैप्सूल को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएं। ये अलग अलग बीमारियों में उसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम ही है, दैट इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज। हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए, हार्ट डिजीज बोल देंगे, घुटनों में इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे तो जॉइंट पेन बोल देंगे, ठीक है ना। आप नाम सुनिए, अर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ओटाइटिस है, जितनी सारी बीमारी का नाम लेंगे लास्ट में आईटिस का मतलब ही होता है वहाँ पे घाव हो जाना उस वाले ऑर्गन में। तो अगर तो सारी बीमारियों का जड़ कारण एक ही है, तो सारी बीमारियों का सलूशन भी तो एक ही होगा, राइट। भगवान ने सलूशन दिया हुआ है, जैसे मैं DIP डाइट बोल रहा हूँ, एक्चुअली DIP डाइट इसका कोई नाम आप भी रख सकते हैं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भगवान का बनाया हुआ जो फल है और सब्जी है उसी फॉर्म में आप एबंडेंस में लीजिए ज़्यादातर, और इंसान का बनाया हुआ जो है फैक्ट्री फूड है, या जानवरों को मार के जो खाते खाने की जो, या जानवरों का दूध छीन के आप उनके बच्चों का दूध छीन के आप देते हैं, इनको आप रोकिए, मतलब नेचर के खिलाफ मत जाइए। मैं उसी को बोल रहा हूँ सिंपल तरीके से, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट। जैसे ही आप करने लगेंगे, नेचर के अनुसार चलने लगेंगे, आप देखेंगे महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में आप बड़ी स्पीड से ठीक होने लगेंगे। इसी को हम DIP डाइट बोलते हैं। तो जी हाँ, आपकी जो आजकल की जो समस्याएं हैं, जो समस्या आजकल की बोल सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बच्चों में ADHD है, ऑटिज़म है, डायबिटीज़ है, या स्किन डिजीज़ है, इतने सारे तरह के कैंसर है जो पहले नहीं हुआ करते थे, ये मानव ने खुद ही बनाया, बिकॉज आपने डिविएट किया फ्रॉम द नेचुरल लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल के लिए भगवान ने अपनी बॉडी को बना के दिया था। तो हम उसी लाइफस्टाइल में ले आएंगे अपने आप को, तो बॉडी खुद ही अपने आप को हील कर लेगा। तो आंसर इज़ राइट कि भाई बीमारी कोई भी है, आप सेफली उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए DIP डाइट को अपना लें। DIP डाइट को अपनाने से अगर बीमारी है तो वो रह नहीं सकती, और बीमारी अगर नहीं है तो वो आ नहीं सकती। थैंक यू। और आपका ये जो आज का एपिसोड है, ये एपिसोड है एज ए रिजल्ट ऑफ जो आपने पिछले, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक कैप्सूल लेकर आया हूँ जो आपके लिंग को मोटा व लंबा करेगा,
साथ ही साथ आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाएगा। अगर आप अपने पार्टनर को भरपूर मजा देना चाहते हैं तो काम सेतु कैप्सूल का उपयोग करें। अगर आप इस कैप्सूल को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाएं। मेरे एपिसोड में कमेंट में डाला था कि अगला एपिसोड क्या बनेगा, इसका मतलब ये है कि अगला एपिसोड के लिए भी इस एपिसोड में जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या किस पे बनना चाहिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो बताइए और मैं उस पे हमारी टीम और हम मिलके अगला एपिसोड बनाएंगे। और ये भी मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, भगवान ने हर प्रॉब्लम का बहुत आसान सोल्यूशन दिया है, आसान, सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी कि परमानेंट क्योर। तो ये अपने तक ही सीमित ना रख के आप किसी भी फॉर्म में ही लोगों तक पहुँचाइए। That is what I call as humanity. धन्यवाद। Thank you.